जय जगन्नाथ। मु अम्लान नायक वर्तमान सबुठारु बड़ आउ केवल बच्चा बच्चा ब्रेकिंग न्यूज रा खबर रखिबा निश्चित भिडियोटि शेष पर्यंत देखिबा सहित एबे ही भिडियोटि समस्त गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। डेरी न करि आरंभ करबा कोन जय जगन्नाथ नंबर 1। बन्या स्थिति समीक्षा परे मुख्यमंत्री को घोषणा, संबलपुर बरगढ़ सोनपुर बौद्ध और अनुगुल जिलार प्रभावित को 7 दिन पई रिलीफ। लघुचाप जनित वर्षा कारण राज्यर विभिन्न स्थान रे देखा देछि बन्या परिस्थिति। केउठी घाई भांगी चित, केउठी नदी जल पसी गा दांड जलमग्न होउछि। हजार हजार लोक पानी घेर रे दिन काटुछंती। बन्या जल रे लोकक घर द्वार भांगी जिबा सह गृहपालित पशु मध्य भासी जाइछंती। एसबु भितरे गतकाली मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आकाशमार्गरु बन्या जल परिदर्शन करथिले। एभळी अचानक बन्या परिस्थिति को नै मुख्यमंत्री चिंता प्रकट करिछंती। आकाशमार्गरु बन्या जल परिदर्शन करबा परे बन्या क्षतिग्रस्तक पई मुख्यमंत्री रिलीफ घोषणा करिछंती। मुख्यमंत्री का घोषणा मुताबक संबलपुर बरगढ़ सोनपुर बौद्ध और अनुगुल जिले में पानी पसीथिबा गांर लोकमानंकु 7 दिन पई रिलीफ दिया जिबो। एहा सह पानी छाड़िबार 7 दिन मध्यरे बन्यार होइथिबा क्षयक्षतिर आकलन करा जिबो। केवल से नुहे मुख्यमंत्री कहते कि यह सब जिले में बनारे जो मानकर घर भांगी और जो मानकर फसल नष्ट से मानकु क्षयक्षति आकलन कर 15 दिन मध्य सहायता जोगाई दिया जिबो। नंबर 2। आज सारा राज्य में प्रबल वर्षा, सूचना दे आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र। राज्यर विभिन्न जिले में बन्या स्थिति गंभीर होता बेले आज और आसंता काली सारा राज्य में पुणी वर्षा हेब। आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र सूचना मुताबक गत काली सकाळे जो लघुचाप बलय सृष्टि होता ताहा वर्तमान उत्तर पूर्व बंगोपसागर में केन्द्रीभूत होती। यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुछि। गत काली संध्या सुधा यह ओलमार्क लो प्रेसर में परिणत होता। यह आज अवपात में परिणत हेब। यह अवपात रूप नेबा पश्चिम बंग उपकूल और उत्तर ओडिशा उपकूल दे अतिक्रम कर। यार प्रभाव में गत काली संध्या ठारु उत्तर ओडिशार उपकूल जिला गुड़िक वर्षा होती। गोटे दुईट स्थान में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होबार संभावना थिबा कहिछंती आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र। से कहते आज एवं आसंता काली यही विपद अधिक रही क्रम राज्यर समस्त जिला मानक वर्षा होब और अल्प केतेक स्थान अत्यंत प्रबल वर्षा होबार संभावना थी आईएमडी डीजी। नंबर 3। आज अवपात रूप नेब। लघुचाप उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर। प्रबल वर्षा नहीं उड़ीसा को रेड वार्निंग। उत्तर पूर्व बंगोपसागर में केन्द्रीभूत हो लघुचाप धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुछि। गत काली संध्या सुधा यह ओलमार्क लो प्रेसर में परिणत होता। आज यह अवपात में परिणत होब। तेब अवपात में परिणत होगापर यह पश्चिम उपकूल और उत्तर ओडिशा उपकूल अतिक्रम कर। आज ठारु पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिगरे पश्चिम बंग निकटर उत्तर ओडिशा झारखंड हो छत्तीसगढ़ आड़ को मुहाइब। यार प्रभाव में उत्तर ओडिशा जिला गुड़िक वर्षा होब। गोटे दुईट स्थान में प्रबल वर्षा होइपारे बोली अनुमान करा जाउछि। आज ठारु अधिक वर्षा होबार आशंका रही। राज्यर समस्त जिले में वर्षा होब। अल्प केतेक स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। उत्तर ओडिशा जिला गुड़िक आसंता काली सबुठ अधिक वर्षा होब। 20 सेंटीमीटर वर्षा होबार संभावना रही। आसंता काली सकाळ बेळकु एही अवपात झारखंड निकट रे पहुंचिब। यार प्रभाव केवल उत्तर पश्चिम ओडिशा उपरे देखिबा को मिलिब। तेणु उत्तर पश्चिम ओडिशा रे आसंता काली मध्य प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। नंबर 4। 5G लॉन्च पई प्रस्तुति कर। टेलीकॉम कंपनी मानको कहिले केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव। भारत रे 5G रो शुभारंभ पई प्रस्तुति करबा लागि गतकाली केंद्र सूचना और प्रौद्योगिकी विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव टेली जोगाजोगे सेवा प्रदानकारी को कहिछंती। एथिपाई स्पेक्ट्रम असाइनमेंट लेटर जारी होई सारिथिबा कथा मध्ये से ट्वीट करी कहिछंती। अविलंबे भारत रे 5G सेवा प्रचलन करा जिबो। स्वाधीनता दिवस पालन अवसर रे देशवासी को देइथिबा उद्बोधन रे मध्ये प्रधानमंत्री मोदी कहिथिले जे आशा करा जाउथिबा समय पूर्वरु 5G सेवा उपलब्ध हेबो। प्रधानमंत्री आहुरी मध्ये कहिथिले जे देश रे 4G बेग अपेक्षा 5G बेग 10 गुणा क्षिप्र हेब। तेणु औपचारिक भाव देश में 5G सेवा घोषणा करा जिबा आगरु रिलायंस जियो एवं VI आदि टेलिकॉम ऑपरेटर माने 5G संबंधी उत्पाद विकसित करबा लागि इंजीनियर मानंकु नियुक्ति देबाकु तत्पर होई उठिछंती। चलित मास शेष आड़कु औपचारिक घोषणा करा जिबा परे एयरटेल ओ जियो निज निज 5G सेवार प्रथम पर्याय आरंभ करिवे बोली आशा करा जाउछि। भारत रे 5G शुभारंभ टाइम लाइन संक्रांत रे टेलीकॉम ऑपरेटर माने सविशेष तथ्य देइ नाहंती। नंबर 5। सेप्टेम्बर 4 रे हेबो एएसओ परीक्षा। नुआ तारीख घोषणा कला ओपीएससी।
बन्यार तांडव एबे सारा राज्य को ग्रास करिछि। जुआडे देखिबो खाली पाणी पाणी। बन्या जोगु राज्यवासी नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होई घरु बाहर को बाहरी पारु नाहंती। तेबे परिस्थिति को दृष्टि रे रखी ओडिसा लोकसेवा आयोग पक्षरु असिस्टेंट सेक्शन अफिसर परीक्षा को स्थगित रखा जाइथिला। एनेई ओपीएससी पक्षरु एक विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला। तेबे ओपीएस को नेई एबे नुआ अपडेट आसीछि। आसंता सेप्टेम्बर 4 तारिख रे अनुष्ठित हेबो एएसओ परीक्षा। ओपीएससी पक्षरु नुआ तारिख घोषणा करा जाइछि। आसंता 21 तारिख रे एएसओ परीक्षा अनुष्ठित हेबा नेई पूर्वरु दिन धार्य कर। राज्य बन्या प्रभावित जिलार छात्र छात्री माने एएसओ परीक्षा तारीख घुंचाइबा को दाबी करथिले। परीक्षार्थी माने ट्विट रे एने राज्य सरकार को निजरो दुख जणाइथिले। तेबे परिस्थिति को हृदयंगम करी शेषरे ओपीएससी पक्षरु तारीख घुंचाई दिया जाइथिला। मोट 796 टी एएसओ पदवी पई ओपीएससी पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला। नंबर 6 कोरापुट बैपारी गुड़ा रे अघटन। माटी अतड़ा धसी दुई मृत, माटी तले चापी होई रहिचंती अन्य दुई जण। कोरापुट जिला बैपारी गुड़ा रे बड़ अघटन। जीविका निर्वाह पई जंगल को जाइथिबा बेले माटी अतड़ा धसीबारु दुई जणकर मृत्यु होइथिबा बेले अन्य दुई जण चापी होई रहि जाइथिबा जणा पड़िछि। सही दुई जणक उद्धार पई चेष्टा जारी रहिछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार कोरापुट जिला बैपारी गुड़ा थाना अंतर्गत हल्दीकुंड ग्राम रे तीनि पुरुष और जणे स्त्री निजर जीविका निर्वाह पई जंगलजात द्रव्य संग्रह करबाकु गुंफा निकटस्थ जंगल को मंगलवार दिन जाइथिले। हेले आउ घर को फेरी नथिले। परिवार लोक बहुत खोजाखोजी करबा परे भी सेमानकर कोनोसी पत्ता मिली नथिला। बुधवार दिन अपराह्न समय से गुंफा जंगल निकट दे जणे लोक जाउथिबा बेले माटी तले दबी जाइथिबार देखिथिले। एहा परे संगे संगे गां लोक को जणाइथिले। स्थानीय लोक ओ गां लोक को द्वारा त्रिलोचन दुरुआ ओ सेल्मी दुरुआ को मृत्यु अवस्था रे उद्धार करा जाइथिला। एहा परे गां लोक उद्धार करी शव विच्छेद निमन्ते बैपारी गुड़ा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को पठाइछंती। अन्य दुई जण स्वामी स्त्री माधव चालाण ओ समारी चालाण वर्तमान माटी तले चापी होई रहिथिबार सूचना मिलिछि। नंबर 7 बोर्ड रु 147 आउ गुली धरा पड़ीबा घटना। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कले खुलासा। महाराष्ट्र रायगड़ा जिले में थिबा हरिहरेश्वर समुद्र कूल में संदेहजनक अवस्था एक डंगा देखा मिलता। से ही डंगे 147 बंधुक एवं विपुल परिमाण गुड़ी थिबा देखा जाइथिला। एभली संदेहजनक अवस्था डंगारु अस्त्रशस्त्र मिलिबा परे समग्र रायगड़ा जिले में सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। पुलिस टीम घटनास्थल रे पहुंची अस्त्रशस्त्र जबत करिबा सह तदंत आरंभ करिछि। सूचना अनुजाई डंगाटी केउठि आसीछि ताहा एजाय स्पष्ट होइनाही, किंतु डंगारे केही नथिले बोली सूचना मिलिछि। तेबे ही डंगा को नै आतंकवादी संप्रुक्ति थिबा संदेह करा जाउछि। स्नग्धिग्ध डंगाटी कहार एनेई अनेक लोके अनेक कथा कहउछन्ति। एहारि मध्यरे महाराष्ट्र डेपुटी सीएम देवेंद्र फडणवीस कहिछन्ती जे एही डंगाटी अस्ट्रेलिया रे जणे महिलांकर डंगाटी खराब होइ जाइथिबा कारणरु भासी आसी भारत मुहाण रे लागिछि। वर्तमान जाय कोनोसी आतंकवादी संप्रुक्ति थिबा नै सूचना नाही। तबे एही बोट जणे अस्ट्रेलिया महिला हाना लंडरगन को नाँ रे थिबा जणा पड़िछि। नंबर 8 मागणा योजना सुप्रीम कोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय। राबडी कल्चर बा मागणा योजना को नहीं गुरुत्वपूर्ण राय देछंती सर्वोच्च न्यायालय। मागणा योजना को विरोध करी होइथिबा एक आवेदन उपरे सुनानी करी कोर्ट कहिछंती जे राजनैतिक दल मानकु निर्वाचन प्रतिश्रुति उपरे कोर्ट रोक लगाई पारिबेनी। एही प्रतिश्रुति गुड़िक दल क्षमता को आणिबो ना नाही ता उपरे कोनोसी ग्यारंटी दिए नाही। कोर्ट किंतु एक कथा कहिछंती सरकारी अर्थ केउठी ओ किभळी विनियोग हेउची से उपरे जे केही भी प्रश्न उठाई पारिबे। शनिवार सुधा एही प्रसंग उपरे कोर्ट रे राजनैतिक दल माने निज निजर मत रखिबा को कोर्ट कहिछंती। आगामी सुनानी सोमवार हेबो। मागणा योजना को नहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी परस्पर सह मुहांमुही होइछंती। आवेदनकारी को दाबी थिला जे राजनैतिक दलगुड़िक सेमानक भोटर को प्रतिश्रुति देबा बंद करबा उचित। प्रधान विचारपति जस्टिस एनबी रमणा, जस्टिस जेके माहेश्वरी एवं जस्टिस हिमा कोहली खंडपीठ सुनानी बेले कहिछंती एहा उपरे वितर्क एवं आलोचना हेबा जरूरी। किछि सरकारी स्कीम हेउछि लोकमानकर अधिकार, एहाको मागणा उपहार बोली कहिबा ठीक हेबो नाही। सबुठारु चिंताजनक हेउछि सरकारी अर्थ को किभळि खर्च करा जाय पारिबो। किछि लोक कहउछंती टंका बर्बाद हेउछि, आउ किछि लोके कहउछंती लोकक कल्याण पई टंका खर्च हेउछि, किंतु एही प्रसंग अधिक जटिल हेबारे लागिलाणी। तेणु खंडपीठ एही मामलारे अंतर्भुक्त समस्त पक्षक मतामत मागिछंती। उक्त प्रसंगरे आलोचना परे परवर्ती निष्पत्ति नियाजिबो बोली खंडपीठ कहिछंती। नंबर 9 जिम्बाब्वे को 10 विकेट रे हराइला भारत।
विजय सह आरंभ होइछि भारत क्रिकेट दलर जिम्बाब्वे गस्त। जिम्बाब्वेर हारारे ठारे गुरुवार खेला जाइथिबा प्रथम दिनिकियारे जिम्बाब्वे को 10 विकेट्रे परास्त करी विपुल विजय हासिल करिछि। एही म्याच्रे भारत टॉस जीति प्रथमे बोलिंग करिबाकु निष्पत्ति नेइथिला। प्रथमे बैटिंग करी जिम्बाब्वे 40 ओभरे 189 रन करी ऑल आउट होइ जाइथिला। दलर कोनोसी बैट्समैन भारतीय बोलरको सामना करि पारि नथिले। तेबे अधिनायक चकबा 35 रन करिथिबा बेले ब्राड इवांस 33 रन ओ एनगारभा 34 रन करी दल पाई एक सम्मानजनक स्कोर छेडा करिथिले। भारत पक्षरु दीपक चहर, प्रसिद्ध कृष्णा ओ अक्षर पटेल तीनोटी लेखाएं विकेट नेइथिले। 190 रन ल विजय लक्ष्य नै पडिया को ओल्हाइथिबा भारतर दुई ओपनर शिखर धवन ओ शुभमन गिल अनायसरे एहि लक्ष्य हासिल करि नेइथिले। नंबर 10 हीराकुद जलभंडाररु पुणि बंद हेला चारोटी गेट। 28 गेट देई बन्या जल निष्कासन जारी। उपर मुंडरु जल प्रवेश पूर्व तुलनारे ह्रास पाइथिबारु हीराकुद जलभंडाररु गुरुवार संध्यारे पुणि चारोटी गेट बंद करि दिया जाइछि। पर्याय क्रमे हीराकुद जलभंडाररु मोट 12 गेट बंद करि दिया जाइछि। जलभंडाररु एहि 4 गेट बंद करि दिया जिबा परे एबे 28 गेट देई जल निष्कासन जारी रहिछि। एतिरे बाम पार्श्वरु 20 थिबा बेले दक्षिण पार्श्वरु 8 रहिछि। हीराकुद जलभंडाररु कंट्रोल रूम पक्षरु एहि सूचना दिया जाइछि। तेबे आशा करा जाउछि जे आगामी समय रे हीराकुद जलभंडाररु आहुरी गेट बंद करि दिया जाइ पारे। पर्याय क्रमे ड्याम रु गेट गुडी को खोली दिया जिबा परे महानदी रे बन्या जल ह्रास पाइबो जहाकु तोलिया अंचल रो लोकंकु आश्वस्ति प्रदान करिबो।